अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर समिट के बाद में एकाएक आलू की निकासी आगरा मंडल में तेज हो चली है। रफ्तार से निकासी चल रही है। किसानों को इस समय रुपयों की बेहद आवश्यकता है। ऐसे में वो जो भी भाव मिला है उस पर निकाल रहे हैं। फिलहाल यहाँ जिस कोल्ड स्टोर पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आलू कंपनी के द्वारा यहाँ किसानों से सीधा आलू खरीद फरोख्त की गई है। आज यहाँ 3 गाड़ियों की लोडिंग हो रही है। पहली गाड़ी आप देखिए, मजदूर लोड कर रहे हैं, वो कंपनी के एरिया मैनेजर भी देखिए, वो सिर पे बांध के बैठे हुए हैं। दूसरा इधर देख लीजिए, दूसरी गाड़ी ये रही, ये भी भर रही है। और तीसरी गाड़ी अगर आप देख रहे हो वो उधर साइड में लगी हुई है। आज यहाँ पर 3 गाड़ियों की कुल लोडिंग हो रही है, निकासी हो रही है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और किसानों को काफ़ी अच्छा रेट यहाँ पर कंपनी द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, मैं भैया से पूछ लेता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आज तो कोल्ड स्टोर है, 3 गाड़ी लोड हो रही है। हाँ, 3 गाड़ियाँ हो रही है। निकासी खूब अच्छी चल रही है, खूब जोरदारी से। क्या रेट किसानों को इस समय पर मिला है? किसानों को रेट वही 12.5-13 रुपये किलो मिल रहा है। अगर कंपनी को बेचेंगे 12.5-13 रुपये किलो का मिल जाएगा रेट। यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियों ने आपके कोल्ड पे आई हैं और जो निकासी कर रही हैं? ये पेप्सी कंपनी है, पार्ले है, और ये है एक रिलायंस है। 3 कंपनी है फिलहाल। तो जो MOU जो बायर सेलर में समिट में किए थे किसानों से, वही यहाँ पे आप खरीद फरोख्त कर रही हैं? खरीद फरोख्त कर रही है। लगभग एक गाड़ी में कितना आलू जा रहा है? मान लो 30 टन तो ले ही जाएगी, कोई 25 टन है, 500 पैकेट, 600 पैकेट तो ले जाएगी, और 500, 400, 80 पैकेट से। लुलू मॉल ने भी खरीद में इच्छा को देता ही थी, क्या वो आए या नहीं आए? वो नहीं आए फिलहाल। कब तक कह रहे हैं, कब तक आ जाएंगे? अब देखो 4-8 दिन में आ जाए शायद। फिलहाल ये 3-4 कंपनियां ले जा रही हैं। हाँ, 3-4 कंपनियां। ये जो निकासी है वो आज से हुई है या? निकासी तो 8 दिन हो गई लगभग। क्या रोजाना कितने ट्रक जा रहे हैं? 2-3 गाड़ी तो रोजाना लोड हो ही रही है। यानी कि 2-3 तारीख को समिट हुई है, उसके बाद में लगातार रफ्तार पकड़ चुकी है निकासी। हाँ, रफ्तार पकड़ रही है। पहले जो रेट थे वो क्या थे बड़े भैया? पहले तो 400-500 रुपये बिक रहा था पैकेट में। पैकेट में अब बिक रहा है 600-650 रुपये। मतलब कुल मिला के बायर सेलर मीट जो आगरा में हुई है उसके बाद में रेटों में इंक्रीजन हुआ है। हाँ, इंक्रीजन हुआ है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? अच्छी सलाह है, किसान अब निकाले आलू को, रेट मिल रहे हैं सही तो निकालना चाहिए आलू को। तो रेट पूरे मिल रहे हैं और ये तो रीना का अब 1000 बिक जाए तभी निकालें। रेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके निकाले, एक गाड़ी निकाले, 200 पैकेट ही निकाले कम से कम, निकाले तो सही। जिस तरीके से रेटों में 400 से सीधा 250 रुपये का आंकड़ा छुआ है, बढ़ोतरी हुई है, 650 तक हुई है, निकट भविष्य में जैसे कि MOU साइन हुए हैं उससे आपको कितना असर दिख रहा है कि इसमें और कितने रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है? अरे परमात्मा तो है नहीं, हम कितने रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है 10-50 रुपये और हो जाए। ये जो रेट मिल रहा है ये किसानों को बनाना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए सभी रेट, तो किसानों को सभी लेने चाहिए। जो रेट चल रहा है समय पर बेच दे, 500 बिक रहा है 500 बेचे, 600 बेचे, 600 में बेचे। अरे भैया, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस समय पर पहले कंपनियां नहीं आती थी कोल्ड स्टोरेज में, पिछली साल भी देखा था हमने, उससे पहले कंपनियां कोई कोल्ड स्टोरेज में नहीं आती थी, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपके कोल्ड स्टोरेज या आगरा कोल्ड स्टोरेज कंपनियां सीधे आ रही हैं और सीधा किसानों से खरीद फरोख्त कर रही हैं, तो इससे बेनिफिट तो किसानों को ही मिलेगा ना? हाँ, किसानों को ही मिल रहा है बेनिफिट, तो और किसे मिलेगा? बिक्री किसकी होगी? किसानों की होगी, आलू की। अच्छा, इस समय पर अगर मैं बात करूँ आगरा जिले में, आगरा मंडल में, तो जो निकासी है वो कितने प्रतिशत हो चुकी होगी अब तक? अब तक तो 1-2% हुई होगी अभी के। बस और कितनी हुई है? कई लोग कह रहे हैं 5-6% हो गई। नहीं हुई, 2% मुश्किल से। ये भाई एक थोड़ी एक नॉर्मल जानकारी लूँगा, डंप ये कह रहे हैं डंप नहीं लगेंगे कह रहे थे, आपने देखा होगा डंप नहीं लगेंगे, क्या हाल है डंप का? डंप भी चल रहे हैं फिलहाल, डंप का आलू भी जा रहा है। ये डंप ही रेटों को बिगाड़ रहा है? डंप ही बिगाड़ रहा है ये समझ। यानी कि अगर डंप नहीं होते तो ये जो 650 बिक रहा है ये 700-800 तक बिक रहा होता। हाँ, 700-800 रुपये बिक जाता। फिर भी मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है भैया कि आपके कोल्ड स्टोरेज से 12-12.5 से लेकर 13 रुपये किलो के किसान को रेट मिल रहे हैं, ये कम नहीं होते हैं? 650 रुपये पैकेट हो गए 50। हाँ, 650 रुपये पैकेट हो गई। 600 रुपये में ना तो नॉर्मली आगरा ही बिक रहा है। अब कंपनी 10-20-50 पैसे तो फालतू लेगी कि नहीं लेगी उतना तो। 600 रुपये के सौदा हुए आगरे में बहुत ज़्यादा। तो ये किसान साथियों, ये आपके लिए शुभ संकेत है, कंपनियों के द्वारा यहाँ पर आलू जो है सीधा किसानों से खरीद फरोख्त की जा रही है। किसान साथियों, मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। और ये काफ़ी अच्छा है कि कंपनियाँ सीधा किसानों से कोल्ड स्टोरेज पे आके आलू की खरीद फरोख्त कर रही हैं। और मेरा निवेदन किसानों से यही है, जब रेट मिल रहे हैं तो मौके को भुनाने में क्या हर्ज है, मौके को भुलाने ना चाहिए। तो मैं इसे किसान से मैं पूछ लेता हूँ, क्या नाम है?
प्रदीप सिंह। ये बताइए, ये कौन कौन सी कंपनियां सीधा आलू खरीद रही हैं आपके पुल से? हमारे यहाँ पे पेप्सी कंपनी खरीद रही है, और रिलायंस है, और एक आध कंपनी जिसके नाम नहीं जानते हैं, एक उड़ान कंपनी के नाम से भी, वो भी तीन कंपनियां खरीद रही हैं आलू। सीधा यहाँ से खरीद के क्या विदेश ले जा रही हैं? अभी ये तो मालूम नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन निकासी करवा ही रहे हैं। निकासी हो रही है। तो किसानों को क्या रेट मिल रहा है आपके यहाँ से, ये कंपनियाँ क्या रेट में खरीद रही हैं? किसानों को रेट मिल रहा है 600 से 650 रुपए तक। 650 रुपए? हाँ, 50 केजी का। 50 केजी का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हाँ। क्या पहले कंपनियाँ यहाँ कोल्ड स्टोर पे आके खरीदती थी किसानों से आलू, या पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनियाँ खरीद रही हैं? पहली बार हो रहा है ऐसा, जो कंपनियाँ खरीद रही हैं पहली बार। तो ऐसे में किसानों को मौका बनाना चाहिए अथवा नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, किसानों के लिए बढ़िया बात है, जो रेट मिल रहे हैं वो सही कंपनियों से मिल रहे हैं। बायर सेलर मीट के बाद में कितने कोल्ड स्टोरेज से निकासी की रफ्तार बढ़ी है, कितनी गाड़ियां डेली जा रही हैं? अब ये तो पता नहीं, लेकिन 2-3% तो निकासी चालू है ही है। अगर मैं बात करूं आगरा डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंट की हो गई होगी निकासी? कम से कम 2-3% बस। तो ऐसे में आपकी किसानों की क्या राय रहेगी, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए कहना चाहूँगा, कंपनियाँ अच्छे पैसा दे रही तो उनको निकालना ज़रूरी, थोड़ा बहुत माल तो निकालना चाहिए इस रेट पे। हल्दीराम वगैरह आई यहाँ पे खरीदारी करने? हल्दीराम अभी नहीं आई, लेकिन आने वाली है कंपनी। लुलू मॉल भी नहीं आई अभी। मतलब जो MOU किसानों से किया गया है वो काफ़ी हद तक सार्थक भी हमें दिखाई दे रहा है। पहली बार कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो रही है, देखिए गाड़ी जो है पूरी तरीके से लोड हो रही है, दूसरी भी इधर देख लीजिए, तीन गाड़ी आज यहाँ पर इस शीतगृह से लोड हो रही हैं, लगे हुए हैं लोग जो है, मजदूर जो हैं। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि किसानों को उनका कंपनियां जो है सीधा रेट जो है किसानों को दे रही हैं। इसमें दलालों की भूमिका ख़त्म कर दी है, सप्लायर की भूमिका ख़त्म कर दी है, सीधा किसानों से ख़रीदारी की गई है, और कंपनियों के एरिया मैनेजर भी यहाँ पर हैं और वो ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के सामने वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, गोपनीय शर्तें हैं, जिसे वो भंग नहीं होने देना चाहते। मीडिया के सवालों का अनऑफिशियली ऑफ कैमरा तो वो बताने के लिए तैयार हैं कि हमने जो है 13 रुपये किलो तक ये आलू खरीदा है, 1250 रुपये किलो से, लेकिन कैमरे के सामने हिचक रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कहीं गोपनीय जो कंपनी की है वो भंग ना हो जाए और ऐसे में किसान काफ़ी परेशान ना हो जाएं। तो ऐसे में उन किसानों के लिए काफ़ी रेस्पॉन्स वाला काम है कि जिनका आलू जो है कंपनी ने सीधा खरीद पर रोक दिया। मैनेजर साहब, कितने किसानों ने आज आलू बिका? पांच किसानों ने हाँ। एक कितने 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 पैकेट में बेचा? 300-400 मतलब कम क्वांटिटी में, किस्तों में बेचा है? किस्तों में। तो उन किसानों को क्या लग रहा है, आगे बढ़ेगा दाम? अब ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन बढ़ भी सकता है, और जो अभी कंपनी ले रही है वो सही ले रही, किसानों को बेचना चाहिए, थोड़ा बहुत माल तो देना चाहिए। किसान साथियों, मेरे साथ में किसान मौजूद हैं जिन्होंने अपना आलू सेल किया है, लगभग 4-5 किसान बताए थे, वो अपने सैंपल को टेस्ट करा रहे हैं, और यहाँ पर ये भैया अपनी जो सैंपल पास हुआ है उसे गाड़ी पर लोड करवा रहे हैं ताकि अपनी आंखों से देख सकें कंपनी ले जा रही है अथवा झूठ तो नहीं बोल रही है। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनका आलू लोड हुआ है, पूछ लेता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम चौहान है। चौहान साहब, ये बताइए क्या रेट आपको मिला है आलू का? एक गाड़ी का तो 625 मिला है, और 100 कट्टे का 650। 600 से 650 रुपये में आपको? हाँ, मिला है 650। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 550-600 पैकेट निकाल दिया आज आपने? हाँ, निकाल दिया आज। ऐसी क्या जल्दी वो हुई थी कि आपने? सर मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी, किसान के पास पैसे की मजबूरी होती है सर। तो उस समय पर क्या आप इन रेटों से संतुष्ट हैं, 650-650 के? अब ऊपर भी मिल जाए तो उससे क्या होता है सर, जब ज़रूरत पे काम आ जाए वही संतुष्टि है हमें। कंपनी और कितने किसान आपके साथ आए? किसान अभी फ़िलहाल तो मैं ही हूँ, मेरे गांव के और हैं 2-3। तो कंपनियां पहले सैंपल टेस्ट कर रही हैं या डायरेक्ट ही ख़रीदारी कर रही हैं? दो सैंपल लिए थे उन्होंने, एक 650 में, एक 650 में, तो दोनों को मैंने दे दिए। अच्छा, तो इस समय पर अभी कुछ बचा के रखा है या सेल कर दिया? अभी तो बहुत है माल। बहुत माल है, तो मतलब किस्तों में ही निकाल रहे हैं आप? हाँ, किस्तों में निकालेंगे सर, हम तो गरीब आदमी हैं, क्या करें। अच्छा, तो एक बात बताइए, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मैं किसानों से ये बोलूँगा, धीरे धीरे अपना माल निकालते रहें, क्योंकि ये साल ख़राब है, कोल्ड स्टोर पूरे हाउस फुल हैं अपना। चौहान साहब, ये कई आप ही कह रहे थे एक बार जो रास्ते में मिले थे कि सोनू भैया कोल्ड तो भर ही नहीं जाएंगे, कम निकल रही है, फिर ऐसा क्यों? नहीं, कोल्ड स्टोर सब हाउस फुल हैं हमारे यहाँ के, पूरे हाउसफुल है। हाँ, टोटल हाउसफुल है। इस समय जो रेट मिला है उससे काफ़ी संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं अभी। तो किसान का लिए यही है कि धीरे धीरे अपने आलू की निकासी करते रहें। निकासी करते रहें, बढ़िया रहेंगे। ठीक है।
ठीक है, यह धन्यवाद। तो ऐसे किसान काफ़ी देश के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं और अपने आलू के रेट भी लेते रहते हैं। भैया ने आज जो है 625 से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट में अपने आलू की निकासी की है और काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा कि भैया ने अपने आलू निकासी की। किसान साथियों, और भी किसान मेरे साथ में ये मौजूद हैं जो कि अपना आलू यहाँ पर बेचने के लिए आए थे, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्ते जी। हमने 200 इकट्ठे बेचे हैं आज, 200 इकट्ठे बेचे हैं आज हमने जी जी, और 650 के रेट में बेचे हैं। 650 के रेट में बेचे हैं तो कम रेट मिले या सही रेट मिले? सही रेट मिले हैं। तो कई लोग कह रहे हैं 650 में हमारी लाग नहीं निकल रही है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, इससे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, तो आपका कुछ निकला है कि नहीं निकला? कुछ लाग बाहर निकल चुकी है, वैसे ज़्यादा नहीं कुछ मिला है। मतलब ये जल्दबाजी क्या थी आपको आलू बेचने की? अब ना जरूरत पड़ गई किसान किसानों को देने पर हिसाब करने के लिए। अच्छा, मतलब आवश्यकता थी, जरूरत ज़्यादा पड़ गई तो बेचे। अभी कितने पैकेट और रखे होंगे? होंगे अभी 1000 कट्टे से। 1000 कट्टे और होंगे तो उन्हें अच्छे रेटों में बेचेंगे। हाँ, तो किसने खरीदा आपको ये मालूम पड़ी? ये मुझे नहीं मालूम, मैनेजर साहब ने किसी को दिखवाए। कोई कंपनी वगैरह आई यहाँ पे? हाँ, कंपनी वाले आए थे, कंपनी को सीधा बेचा है आपने। हाँ, तो अच्छा रेट मिला है आपको? रेट अच्छा मिला। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, अच्छा रेट आपने लिया है। नमस्ते बाबा। क्या नाम है? मान सिंह। कहाँ के रहे रहे हो? मरामई। क्या कट्टा बेचे हैं आज? 200 कट्टा बेच रहे? हाँ जी। कितने रुपया में बेचे हैं? 610 में। 610 में 200 कट्टा, तो रेट सही मिले या कम मिले? तो लिख ही ना रहो जो करेगा रो में। मतलब वो क्या, मैं रेट नहीं मिल पा रहा तो किसान तो रो ही रहा है। अच्छा, मतलब कर रही ना कुछ भी है पा रहा। 610 में लाग ना लिख रही? ना लिख रही। अच्छा, तो रेट को लेकर जो दुविधा थी वो खत्म हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई साहब। कितने रुपए में बेचना चाहिए था ये तो मैंने साहब को बताओ, कितने में दिखाया कितने में दिया है उसमें? तो आपने बेचा है, आपके सामने ही तो सौदा हुआ है। हाँ जी। तो सौदा पर्ची भी आपको मिली? मिल गई। मिल गई पर्ची? नहीं, मुझे बताइए सौदा पर्ची मिली नहीं मिली? हाँ, मिल गई। तो सौदा पर्ची मिल गई तो उसमें तो लिखा हुआ आपके सामने ही तो सौदा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, तो रेट कम मिले? रेट कम मिले। कितने मिलने चाहिए थे बताओ, दिल खोल के बताओ। कम से कम 1000 रुपये का रेट होना चाहिए। 1000 रुपये का रेट होना चाहिए तो तब अच्छा लगता। अच्छा, अब ये जो 610 में बिकाई अच्छा नहीं लगा? ये अच्छा नहीं है, ये तो मध्य में गया था साहब, मध्य में गया है। कई किसान ऐसे भी हैं जो इन जैसे 610 रुपये का रेट इन्हें अच्छा नहीं लगा, ये कह रहे हैं लाग नहीं लग रही है। हाँ, बात सही है, लाग नहीं लग रही होगी, महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में 1000 रुपये का, इनमें से भी देश के ज़्यादातर किसान है ना, इन्हीं के जैसे लाग ना लग रही, 1000 रुपया बेचेंगे, और जब 1000 नहीं बिकता तो 300 रुपया में बेच लेते हैं जब इनकी लाग भी निकल जाते हैं। कोई बात नहीं दादा, बहुत बढ़िया है। क्या कट्टा बीघा निकलो? निकलो 90 कट्टा बीघा। 90 कट्टा को बीघा ले भैया, 610 रुपये बेका है, 90 कट्टे का बीघा निकला है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। ये है हमारे देश के किसानों की पहचान। ये देखिए, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ, 90 कट्टे का बीघा निकला है और 610 रुपये प्रति पैकेट का भाव मिला है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। 200 कट्टे निकाले हैं और 1000 कट्टे अभी और बाकी हैं, वो कितने में बेचेंगे? तो जो बिकेगा जो रेट मिलेगा जब बेचेंगे। नहीं, अभी तो आप 1000 की कह रहे थे ना? हाँ, तो 1000 1000 की तो सपने सबके हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, एक और भैया मेरे साथ मौजूद हैं, मैं भैया से पूछ लेता हूँ। और नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है भैया आपका? शिव सिंह चौहान। शिव सिंह भैया, 610 650 तक के यहाँ कंपनी ने सौदे किए हैं, 12.5 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। यस। किसानों को सही रेट मिला? हाँ, सही रेट मिल रहा है। कई किसान देखिए आपके सामने ये बोल रहे थे कि जहाँ मैं तो लागू ना लेकर 600 650 में। हाँ, फिर भी बेचना चाहिए किसानों को, बेचना चाहिए किसानों को, देखो लाख के हिसाब से नहीं है आलू ज़्यादा है इसलिए। आप ही कह रहे थे बात ना, सोनू तो चूतिया बना रहे हो, आलू तो बहुत कम नहीं कर रहे हो, कोल्ड ना भरे जाएंगे, फिर आपका कह रहे हो, आपका बात अंत पलट रहे हो। देखो, ये गलत बात है सिर्फ भैया, ज़्यादा आलू है इसलिए अब तो कुछ करना पड़ेगा, किसानों को बेचना पड़ेगा आलू भाई, अगर नहीं बेचेंगे तो आलू बहुत खराब होगा आगे जाके। कंपनी के पहले कभी आपने देखा था कंपनी कोल्ड स्टोर पर सीधी खरीद फरोख्त कर रही हो? हाँ, नहीं जब तो नहीं, अब तो बेचना पड़ेगा उनको। कंपनियाँ सीधा कोल्ड स्टोरेज पे इस साल देखी जा रही है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी, अब सीधा किसानों से खरीदारी हो रही है, कंपनी सीधा किसानों से ले रही है, बिचौलिया सप्लायर ख़त्म। हाँ, तो इससे किसानों को बेनिफिट ही मिल रहा है ना? हाँ, बेनिफिट मिल रहा है। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? किसानों के लिए ये सलाह रहेगी, किसान अब शुरुआत से ही बिकता रहेगा तो सही रहेगा, अगर आगे स्टॉक रहेगा आलू को तो दिक्कत आएगी, आलू को बस खराब होगा। तो निकासी चैम्बरों से होने लगी? हाँ, चैम्बर से। आपको कितना रुझान लग रहा है, कितना तक जा सकता है? 600 से 650 तक का यहाँ खरीदारी की है कंपनी ने? हाँ, इतना ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आलू स्टॉक में है, इतना ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा है। कंपनियाँ तो डिमांड होगी तो वो तो 700-800 भी खरीद लेंगी। हाँ, बढ़िया आलू चेक करके लेती हैं, सैंपल लेती हैं, सैंपल ले रही हैं, उसके बाद में वो कर रहे हैं, चाहे वो टेबल वैरायटी हो चाहे वो कैसा भी हो। हाँ 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 चलिए,
तो किसान साथियों, आपने देखा है यहाँ पर निकासी काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ चुकी है। बायर सेलर मीट का यहाँ पर असर देखने को मिला है। किसानों से हमारी बात हुई है, भैया भी मौजूद हैं। भैया खुद कह रहे हैं एक दौर ये था कि ये जो कह रहे थे आलू बहुत कम है, कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे, आज ये कह रहे हैं कोल्ड क्षमता से अधिक आलू है। ऐसे में 600 से 650 रुपये अगर रेट मिल रहे हैं तो किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। किसानों को हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करते रहनी चाहिए, क्योंकि समय कुछ भी पलटा मार सकता है। और मेरा भी यही मानना है कि आप अगर आलू के सही रेट लेना चाहते हैं तो हर रेट लेते हुए आलू की निकासी परस्पर करते रहें, ताकि आपको अच्छा रेट जो है साल भर मिलता रहे। अगर आप इसी तरीके से बैठे रहेंगे जो अभी बुजुर्ग किसान ने बताया, तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो फ्री है, उसका कोई नहीं है। तो बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ में आगरा के एक कोल्ड स्टोरेज से बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दबाकर लाइक करना और सभी के दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका दिन शुभ हो।